तो दोस्तों, क्या आपका भी शॉर्ट वीडियो वायरल नहीं होता? क्या आपके वीडियो पर भी 100-200 व्यूज ही आते हैं और कुछ शॉर्ट वीडियो पर आपका 1K, 2K, 3K पे आपका व्यूज जाके जो है रुक जाता है? दोस्तों, ऐसा क्यों होता है और आपका शॉर्ट वीडियो लाखों में व्यूज क्यों नहीं आते? दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा आप अपना शॉर्ट वीडियो को कैसे वायरल कर सकते हैं। दोस्तों, शॉर्ट वीडियो वायरल करने के लिए बहुत ही आसान सा आपको स्टेप फॉलो करना है, जो कि इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा। अगले वीडियो पे मैं बताया था आप अपना शॉर्ट वीडियो को कैसे वायरल कर सकते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों मैं यहाँ पे लेटेस्ट तरीके बताया था आप शॉर्ट वीडियो को अपना कैसे वायरल कर सकते हो। दोस्तों, पहला बात है कि आपका जो शॉर्ट वीडियो है दोस्तों, वो आपका 100-200 हजार पे क्यों रुक जाता है? दोस्तों, आपका शॉर्ट वीडियो लाखों में मिलियनों में क्यों नहीं जाता? आपका शॉर्ट वीडियो ऑफ क्यों नहीं दिखाता? दोस्तों, तो यहां पे आपका जो शॉर्ट वीडियो है ना दोस्तों, यहां पे आपका रीच नहीं करता, आपका शॉर्ट वीडियो ब्राउज फीचर्स से व्यूज नहीं आता। आपका शॉर्ट वीडियो अगर दोस्तों सजेस्टेड में शो होगा, आपका शॉर्ट वीडियो ब्राउज फीचर में आएगा और आपका शॉर्ट वीडियो शॉर्ट्स फीड्स में आएगा, तो आपका वीडियो वायरल होगा। आपका आपका जो शॉर्ट वीडियो है ना, ज़्यादातर शॉर्ट फीड से व्यूज आता है और दूसरा जो है सजेशन से व्यूज आता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, शॉर्ट जो होता है दो तरीके का होता है, एक सर्चेबल शॉर्ट्स होता है, दूसरा जो होता है यहाँ पे सजेशन से व्यूज आएगा और यहाँ पे आपका शॉर्ट फीड से व्यूज आएगा। तो यहाँ पे आपका किसी से भी व्यूज अगर नहीं आता है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपना शॉर्ट वीडियो को डालते ही कैसे आप उसको वायरल कर पाओगे, आप अच्छे खासे अपने शॉर्ट वीडियो पर व्यूज ला पाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं आपको यहाँ पे क्या करना है। आपको यहाँ पे YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। YouTube एप्लीकेशन को दोस्तों यहाँ पे ओपन कर लेने के बाद YouTube एप्लीकेशन आपका इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो तरीके बताऊंगा, हो सकता है आपका जो शॉर्ट वीडियो अपलोड करने का जो तरीका हो वो आपका सर्चेबल हो, या दूसरा आपका जो हो शॉर्ट फीड से व्यूज आता हो या सजेशन से रिकमेंडेड से व्यूज आता होगा। तो यहाँ पे आप अगर सर्चेबल टॉपिक्स बनाते हैं, जैसे कि 1000 सब्सक्राइबर कैसे पूरा करें, यूट्यूब पर ग्रो कैसे करें, शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे करें, इस टाइप का अगर आप सर्चेबल यूट्यूब पर शॉर्ट्स बनाते हैं तो उसको कैसे आप वायरल कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, आप यहाँ पे मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, आप यहाँ पे डेली व्लॉग्स बनाते हैं या कुकिंग रिलेटेड वीडियोज बनाते हैं, तो इन सब कैटेगरीज की शॉर्ट्स को आप कैसे वायरल कर पाओगे? तो वायरल करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ऊपर देख सकते हो लेफ्ट साइड पे एक ट्रेंडिंग वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रेंडिंग वाला ऑप्शन पे आपको आ जाना है। ट्रेंडिंग वाला ऑप्शन पे आ जाने के बाद आपको ट्रेंडिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है दोस्तों, जो कि आप ये चीज़ नहीं करते हो जिसकी वजह से आपका व्यूज़ नहीं जाता। अगर सेम टॉपिक आप अगर दूसरों का सर्च करोगे ना, उनका जो व्यूज़ है लाखों में मिलियनों में आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे सीधा ट्रेंडिंग वाले ऑप्शन पे आके आपको क्या करना है, शॉर्ट्स वाले सेक्शन पे आ जाना है। शॉर्ट्स वाले सेक्शन पे आ जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले ऊपर आपको जो है म्यूजिक का नेम आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको म्यूजिक का नेम और इस म्यूजिक पे इतने लोगों ने बनाया है और इसमें व्यूज देख सकते हो, फर्स्ट पे जो व्यूज है 2.1 मिलियन है, सेकंड पे जो व्यूज आपको देखने को मिलता है 3.8 मिलियन आपको व्यूज देखने को मिलता है, और यहाँ पे थर्ड पे 6.2 मिलियन आपको व्यूज देखने को मिलता है, जो कि रंगू रकारा करके एक सॉन्ग है, इसमें बहुत सारे लोग ये सॉन्ग को यूज किए हैं और वीडियो बनाए हैं। नेक्स्ट पे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सनसनासन फुल वीडियो, इस पे जो वीडियोस बनाए शॉर्ट वीडियोस 10 मिलियन व्यूज लगाए, 2.5 मिलियन व्यूज लगाए, और यहाँ पे थर्ड पे 1.3, फोर्थ पे 2 मिलियन व्यूज लगाए, और यहाँ पे 5.12 मिलियन व्यूज लगाए दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों, यहाँ पे ट्रेंडिंग वाले ऑप्शन पे आके आप ट्रेंडिंग सॉन्ग को यूज करना है। तो कैसे यूज करना है और आप अपने व्यूज पे कैसे व्यूज ला सकते हो, तो यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो रंगू रकारा करके एक सॉन्ग है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सीधा आपको यहाँ पे आ जाना है, सीधा क्या करना है, प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है। प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको ऐड साउंड वाला जो ऊपर ऑप्शन देखने को मिलता है ऐड साउंड, तो ऐड साउंड पे क्लिक कर लेना है। ऐड साउंड पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पे सर्च कर लेना है रंगू रकारा। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लिया हूँ रंगू रकारा, और यहाँ पे देख सकते हो ये जो सॉन्ग है मेरा आ चुका है, तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों, यहाँ पे मेरा सॉन्ग जो है वो ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे ही देख सकते हो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, तो इस पर अभी मैं क्या करूँगा ना, वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं अगर इस पर वीडियोज़ बनाता हूँ ना, ये ट्रेंडिंग सॉन्ग है, इस पर अगर आप वीडियोज़ बनाओगे तो आपका व्यूज ना दोस्तों लाखों मिलियनों में गारंटी के साथ जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंडिंग सॉन्ग है। यहाँ पे आपको ये ओल्ड सॉन्ग नहीं है ना, इसमें ज़्यादा लोग भी नहीं बनाए हैं, ये अभी ट्रेंड चल रहा है। तो इस पर अगर आप यहाँ पे वीडियोज़ बनाते हो, तो यहाँ पे आपका वीडियो जो है लाखों पे व्यूज जाएगा दोस्तों। और एक तरीका है, यहाँ पे आपको अपलोड वीडियोज़ पे आ जाना है। तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको प्लस वाला आइकन पे
आके दोस्तों यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे आके, अगर आप यहाँ पे पहले से वीडियोस रखे होगे, जैसे कि अगर आपका कुकिंग का वीडियोस है या गेमिंग का वीडियोस है या पर्सनल व्लॉग्स है, वो तो आप लाइव शूट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप अगर पहले से रखे हो तो उसको कैसे अपलोड करके आप यहाँ पे वीडियोस पे वायरल करोगे, वीडियोस पे व्यूज लाओगे। तो यहाँ पे आपको दोस्तों अपलोड वाले वीडियो पे आ जाना है, तो यहाँ पे आपका गैलरी पे आ जाना है। गैलरी पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपका वीडियोस जो है उसको चूज कर लेना है। चूज कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो शॉर्ट वीडियो है दोस्तों उसको आपको यहाँ पे ले लेना है। ले लेने के बाद आपका शॉर्ट वीडियो इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपका जो वीडियो है इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। तो हो सकता है इसमें आपका पहले से साउंड हो या आप बिना साउंड का भी एडिट कर लिए हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको कैसे अपलोड करना है, अगर आप अपना साउंड देना चाहते हैं उसको भी दे सकते हैं, अगर आप अपना साउंड नहीं दिए हैं तो आप ये ट्रेंडिंग सॉन्ग को भी ऐड करके दे सकते हैं। तो कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको ऐड साउंड पे सिंपली आ जाना है। ऐड साउंड पे आ जाने के बाद दोस्तों जो भी आपको ट्रेंडिंग सॉन्ग पसंद आएगा ट्रेंडिंग पे, वो जैसे कि मैं अभी यहाँ पे सर्च किया था रंगू रकारा, तो यहाँ पे मैं रंगू रकारा सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको इस पर मैं क्लिक करके इसको ऐड कर लेता हूँ। ऐड कर लेने के बाद आपको आगे का जो प्रोसेस है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे मेरा ऐड कर लिया हूँ। ऐड कर लेने के बाद दोस्तों ऊपर आपको एक इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक क्रिएटर के लिए, शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो सेटिंग है इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे योर ऑडियो एंड रंगू रकारा सॉन्ग दोस्तों है। दोस्तों अगर आप अपना वॉइस को ऐड करना चाहते हैं इस सॉन्ग पे, तो आपका जो ये सेटिंग है ना, ये इसको आप यहाँ पे अपना परसेंटेज के अनुसार यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 से लेके यहाँ पे 100% तक आप अपना जो ओरिजिनल वॉइस है उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप 100% अपना ओरिजिनल वॉइस रखना चाहते हैं तो यहाँ पे 100% कर लेना है। अदरवाइज आप अगर रंगू रकारा का साउंड को पूरा कम करना चाहते हैं, ट्रेंडिंग सॉन्ग है लेकिन इसको अगर आप पूरा कम करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। अदरवाइज अगर आप अपना वॉइस काटना चाहते हैं तो आप वॉइस को पूरा डाउन कर लेना है और यहाँ पे रंगू रकारा का सॉन्ग जो है हाई कर लेना है, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। टिक वाला ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे आपको टेक्स्ट ऐड कर लेना है। टेक्स्ट जो भी आपको ऐड करना है ऐड कर लेना है। यहाँ पे आपका टेक्स्ट के बैकग्राउंड लगा सकते हो और यहाँ पे आप नीचे कलर भी चूज कर सकते हो टेक्स्ट का। तो यहाँ पे कलर चूज करने का तो ऊपर डन पे क्लिक कर लेना है। डन पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आप शॉर्ट्स पे फिल्टर भी लगा सकते हो, जो कि एक शॉर्ट्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव कर लेगा। तो आप यहाँ पे फिल्टर भी लगा लेने के बाद आपको यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको नीचे वाला एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्वेश्चन एंड आंसर अपने ऑडियंस के साथ पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज कर लेने के बाद जो भी पूछना है तो आपको यहाँ पे जो भी पूछना है आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। जो भी पूछना है टाइप कर लेने के बाद ऊपर डन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अगर आप इसको लगाना नहीं चाहते तो आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। तो सिंपली इसको यहाँ पे दोस्तों इसको ऐड कर लेने का, डन पे क्लिक कर लेना है। डन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आप दूसरा जो प्रोसेस है यहाँ पे अपलोडिंग प्रोसेस, तो यहाँ पे मैं सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेने के बाद ये जो वीडियो है यहाँ पे हमारा प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे अपलोडिंग प्रोसेस पे हम लोग आ जाएंगे। तो पहला जो हमारा पॉइंट था वो कंप्लीट डिटेल्स में आपको बता दिया हूँ। इतना करने के बाद अब आपको अपलोडिंग प्रोसेस जो है इसको अगर आप यहाँ पे सही तरीके से कर लोगे तो आपका जो वीडियो है ना गारंटी के साथ दोस्तों यहाँ पर लाखों मिलियनों में व्यूज आएगा और आपका वीडियो जो है ना वायरल होगा। तो यहाँ पे मैं अगले वीडियो पे 2 वीडियो अपलोड किया था जिसमें बहुत ही अच्छे खासे 2 वीडियो वायरल हुए थे मेरे। तो यहाँ पे आपको जो पहला प्रोसेस है दोस्तों अपलोडिंग का, यहाँ पे आपको थंबनेल लगाना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली एडिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एडिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका वीडियो का जो बेस्ट पार्ट हो जैसे कि सस्पेंस हो या कुछ भी हो उसको आपको यहाँ पे एडजस्ट करके यहाँ पे आपको लगा लेना है। उस पार्ट को आपको यहाँ पे शॉर्ट्स का जो थंबनेल का काम करेगा, तो थंबनेल लगा लेने के बाद आपको नीचे डन पे क्लिक कर लेना है। डन पे क्लिक कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, अपना टाइटल डालना है। तो टाइटल कैसे डालना है वो आपको मैं बताता हूँ। तो सिंपली टाइटल पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों टाइटल कैसे डालना है तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपका सपोज टॉपिक है शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे करें, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट्स वायरल करने का आसान तरीका आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिसा के डालना है, क्योंकि आपका जो टाइटल है ना वो आई कैचिंग वाला बने। तो यहाँ पे आपको आसानी से इस तरीके का डाल देना है, कुछ इंग्लिश में लिखना है कुछ हिंदी में लिखना है, और उसके साथ आपको 3 से 4 आपको यहाँ पे जो हैशटैग डालना है, जैसे कि पहला जो है शॉर्ट्स डालना है। शॉर्ट्स दोस्तों ये 3 जो हैशटैग मैं यूज कर रहा हूँ अपने टाइटल पे, आपको हर वीडियो पे ये टाइटल यूज करना है दोस्तों, हर वीडियो पे ये हैशटैग आपको यूज़ करना है। ये हैशटैग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको यूज़ नहीं करते, आप अगर अलग हैशटैग यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आपका वीडियो जो है
वायरल नहीं होता, आपका वीडियो जो है शॉर्ट फीड्स पे नहीं जाता है। तो आपको पहला जो है शॉर्ट्स डाल देना है, हैशटैग शॉर्ट्स, देन आपको दूसरा जो हैशटैग है हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट्स करके आपको यहाँ पे डाल देना है। तीसरा जो है यहाँ पे आपको हैशटैग शॉर्ट्स वीडियो करके डाल देना है। इसमें अगर आपका 100 वर्ड हो जाते हैं, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे और एक हैशटैग डाल देना है। तो यहाँ पे मैं हैशटैग डाल के शॉर्ट्स फीड्स कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हैशटैग शॉर्ट्स फीड करके आपको डाल देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट फीड्स यहाँ पे हमारा जो है 65 मिलियन, इसको आपको ऐड कर लेना है। तो 65 अगर और यहाँ पे आपको क्या करना है, इतना टाइटल डाल देने के बाद दोस्तों इसको आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। तो कॉपी कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपको यहाँ पे पब्लिश वाला जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इसको आपको डायरेक्ट पब्लिश नहीं करना, इसको आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अनलिस्टेड पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे अनलिस्टेड पे सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लास्ट वाला आ जाना है, ऑडियंस वाला ऑप्शन पे। तो यहाँ पे ऑडियंस बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस टाइटल डाल के ही अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दोस्तों टाइटल डालने के साथ यहाँ पे आपको अनलिस्टेड करना पड़ेगा। अनलिस्टेड करने के साथ साथ दोस्तों जो शॉर्ट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑडियंस, जो कि आप यहाँ पे ये गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑडियंस पे आके दोस्तों यहाँ पे नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करोगे तभी आपके चैनल पर व्यूज आएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे अपलोड शॉर्ट्स वाला जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही यहाँ पे अपलोड शॉर्ट्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पे आपका जो शॉर्ट्स वीडियो है वो अपलोड होगा। लेकिन कहाँ पे होगा, अनलिस्टेड पे होगा। तो आपको अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको सीधा आ जाना है। सीधा आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको YT स्टूडियो एप्लीकेशन को यहाँ पे सिंपली ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं YT स्टूडियो एप्लीकेशन को दोस्तों ओपन कर लिया हूँ। आपको अपना YT स्टूडियो ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सीधा आपको यहाँ पे नीचे कॉन्टेंट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा जैसे ही ओपन होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो YT स्टूडियो में आ जाने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली, यहाँ पे मैं YT स्टूडियो पे आ गया हूँ। आ जाने के बाद नीचे यहाँ पे कंटेंट वाला जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, कंटेंट वाला ऑप्शन पे आ जाना है। कंटेंट वाला ऑप्शन पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, शॉर्ट्स वाला ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट्स वाले सेक्शन पे आ जाना है। शॉर्ट्स वाले सेक्शन पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपका जो शॉर्ट्स अभी अपलोड किए होंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिट वाले ऑप्शन पे सिंपली आ जाना है। एडिट वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद आपको जो भी प्रोसेस मैं बताता हूँ इसको आप अगर एक बार करते हो ना दोस्तों, आपका शॉर्ट वीडियो गारंटी के साथ वायरल होगा। तो एक बार आप ट्राई करोगे फिर आप मुझे बोलोगे भाई आपकी वजह से हमारा शॉर्ट वीडियो वायरल हुआ है, आपका वजह से हमारा चैनल जो है ग्रो हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना टाइटल को सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है। तो टाइटल को कॉपी कर लेने के बाद आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पे जो है आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो पेस्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एंटर करके नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको हैशटैग डालना है। तो हैशटैग डालने के बाद दोस्तों जैसे कि आपका यहाँ पे वीडियो था, आपको शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे करें, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे करें आपको हैशटैग डाल देना है। और यहाँ पे आपको फिर से नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद शॉर्ट्स वायरल, शॉर्ट वीडियो वायरल आपको डाल देना है। देन आपको फिर से आपको यहाँ पे हैशटैग डाल के यहाँ पे शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे होगा यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके का आपको दोस्तों 10 से 12 15 तक आपको हैशटैग को यूज़ कर लेना है अपने डिस्क्रिप्शन पे। तो 10 से 15 ही डालना है आपको अपने वीडियो के कैटेगरीज के अनुसार, टॉपिक के अनुसार। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल देने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे नीचे आपको आ जाना है मोर वाले ऑप्शन पे। मोर वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको टैग्स डाल देना है। तो टैग्स आपको क्या डालना है, आपको यहाँ पे डालना है शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे करें, शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे करें। तो दोस्तों जो भी आप डिस्क्रिप्शन पे हैशटैग डाले होंगे उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डाल देना है। तो जो भी 10-15 आप डिस्क्रिप्शन पे हैशटैग डाले होंगे उसको यहाँ पे आपको डाल देना है। तो जैसे कि शॉर्ट्स वीडियो वायरल कैसे होगा, तो इस टाइप का आपको 10 से 15 जो है यहाँ पे आपको टैग्स डाल देने के बाद आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको ऊपर डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों अब आपका वीडियो बिल्कुल रेडी है अपलोड होने के लिए। तो आपका जिस भी टाइम पे आपका जो वीडियो है अपलोड होने का टाइम अगर हो जाएगा तो आपको यहाँ पे सिंपली पब्लिश कर लेना है। पब्लिश करके आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। फिर देखना दोस्तों आपका 24 आवर के अंदर आपका वीडियो में कैसे व्यूज आता है, आपका वीडियो शॉर्ट फीड्स आएगा, सजेशन आएगा और रिकमेंडेड से कैसे आता है। दोस्तों ये ट्रिक ट्राई करने के बाद आपका जो शॉर्ट चैनल है वो गारंटी के साथ ग्रो होने वाला है। दोस्तों एक बार आप इसको ट्राई करो फिर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना आपका वीडियो वायरल हुआ या नहीं। दोस्तों आज का जो वीडियो था यहीं तक था। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।